सब्सक्राइब कीजिए ये कैसे टेक्निकल चैनल को और ये कैसे की वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाइए। इस वीडियो में मैं बात करूंगा ज़ोन के नए फोन W11 के बारे में। अगर आप भी इस नए फोन के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि आप पूरी नॉलेज ले पाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शब्बीर और आप देख रहे हैं ये कैसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं बात करूंगा ज़ोन के नए फोन W11 के बारे में। इस स्मार्टफोन में कोई खास बात तो नहीं है मगर प्राइस के हिसाब से अच्छी अच्छी चॉइस दी गई है और बहुत कम प्राइस में फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है। यह स्मार्टफोन इन तमाम लोगों के लिए है जिनकी तनख्वाह इतनी ज्यादा नहीं है, मगर इस स्मार्टफोन में वो सारे फीचर मिल जाते हैं जो एक बेसिक स्मार्टफोन में होते हैं, जैसा कि व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम। यह स्मार्टफोन काफी ज्यादा अच्छा है। इस फोन के अंदर इस जो सबसे अच्छी और खास बात है कि इस फोन के अंदर 4G मौजूद है और सबसे मजे की बात यह है कि इस फोन में बेल्ट इन एप्लीकेशन ज़ोंग टीवी, ज़ोंग सिनेमा, जिनके थ्रू आप अपने मनपसंद शो, फेवरेट शो, मूवी और फेवरेट ड्रामास, फेवरेट मूवीज देख सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के डिजाइन के बारे में। तो इस स्मार्टफोन का डिजाइन कोई इतना ज्यादा आईफाई नहीं है, सिंपल डिजाइन है। स्मार्टफोन के लेफ्ट साइड में इसकी वॉल्यूम की और पावर कीज हैं और बॉटम में इसके स्पीकर्स और इसका चार्जिंग जैक है। इस स्मार्टफोन का फिंगरप्रिंट सेंसर बैक साइड में कैमरे के नीचे है। इस फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड को इतनी ज्यादा नहीं है लेकिन अगर प्राइस के हिसाब से कंपैरिजन किया जाए तो ठीक है। इस डिवाइस के डिस्प्ले के बारे में बात की जाए तो 5 इंच का HD डिस्प्ले और इसके DPI की बात की जाए तो 320 अवेलेबल है। यह स्मार्टफोन गेमिंग के लिए इतना आईफाई नहीं है, हाँ नॉर्मल गेम आप इसके अंदर खेल सकते हैं। इस स्मार्टफोन की जो सबसे खास बात है वो ये है कि इसकी बैटरी सबसे अच्छी है। इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो CPU मॉडल स्पेक्ट्रम का मिलेगा, माली 400 GPU मिलेगा, 1.3 GHz का प्रोसेसर मिलेगा और अगर स्टोरेज की बात की जाए तो इसमें 1 GB रैम अवेलेबल है और 16 GB रोम है और अगर मैक्रो SD कार्ड की बात की जाए तो ये 32 GB है। इस स्मार्टफोन में कैमरा को इतना अच्छा यूज नहीं किया गया है, तो अगर इसको प्राइस के साथ कंपैरिजन किया जाए तो ये सबसे अच्छा कैमरा है। और इस स्मार्टफोन में एक और मजे की बात यह है कि इसमें डुअल सिम का फीचर भी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन दबाइए, वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें अपनी राय से आगाह कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों तक पहुंच सके। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी के निशान पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।